अगर आप भोपाल या इंदौर में रहते हैं या भोपाल इंदौर आते जाते रहते हैं और आपने अभी तक अपने फोन में 5G सर्विस एक्टिवेट नहीं की है तो ये खबर आपके बेहद काम की है। जियो ट्रू 5G सर्विस का लाभ आप अपने 5G फोन पर ही ले पाएंगे। 5G फोन में भी आपको कुछ नेटवर्क सेटिंग करनी होगी, इसके बाद ही आपके फोन में 5G सर्विस एक्टिवेट हो सकेगी। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपका फोन 5G है या नहीं, साथ ही ये भी बताएंगे कि आप अपने 5G फोन में नेटवर्क सेटिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे ले सकते हैं 5G सेवा का फायदा। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जानें आपका फोन 5G है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में जाएं। यहां आपको वाईफाई नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, इसे सिलेक्ट कर आप प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप पर जाएं। इसमें 5G, LTE, 4G, 3G, 2G का ऑप्शन आएगा। अगर यहां 5G लिखा है तो मतलब आपका फोन 5G इनेबल्ड है, और अगर ये ऑप्शन नहीं आता तो आपका फोन 5G इनेबल्ड नहीं है। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने फोन में 5G नेटवर्क कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अपने फोन को 5G करने के लिए आपको नया सिम लेने की जरूरत नहीं, आप मौजूदा सिम कार्ड पर ही 5G सर्विस एक्टिवेट कर सकते हैं। 5G नेटवर्क का उपयोग तभी किया जा सकता है जब आप 5G सपोर्टेड लोकेशन पर हों। इसके लिए अपने स्मार्टफोन के सेटिंग मेन्यू पर जाएं, कनेक्शन या मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन पर क्लिक करें, नेटवर्क मोड पर टैप करें, इसके बाद 5G, 4G, 3G, 2G का ऑप्शन देखें, इसमें 5G नेटवर्क सिलेक्ट करें। इस नेटवर्क पर आपको पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर नेटवर्क और कनेक्टिविटी मिलेगी। तो अपने फोन को 5G इनेबल्ड कीजिए और लीजिए हाई स्पीड इंटरनेट का मजा। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।